प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि इन बाइबल स्टडीज को या इन संदेशों को आप नियमित रूप से सुनना चाहें, तो ये जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको आप दबा दीजिए। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो उसके बगल में घंटी का एक बटन और दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें। तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे, वैसे ही YouTube तुरंत आपको ईमेल से सूचना दे देगा। इस तरह कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। एक काम और कीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि वे लोग इस चैनल पर आके हिंदी में प्रभु के वचन का नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। क्या मालूम आपके मित्रों के जीवन में ये एक बहुत बड़ा सुझाव सिद्ध होगा। फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। नियमित रूप से सुनना ना भूलें और सब्सक्राइब और उसके बाद घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्रभु आपकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।
आज मैं आपको दुनिया के महानतम राजाओं के राजा के बारे में बताना चाहता हूं। क्योंकि वो राजाओं का राजा है या राजाओं के राजा है, इसलिए मैंने बादशाह शब्द का उपयोग किया था, दुनिया का अनोखा बादशाह। हम इस बात को जानते हैं कि जब भी किसी परिवार में किसी बच्चे का आगमन होता है तो कितनी खुशी होती है। मैं खुद एक नाना हूं और इस कारण मुझे मालूम है कि जब से उस बच्चे के बारे में पता चला कि मेरी बेटी के बच्चा होने वाला है तो हम लोग कितने ज्यादा खुश हुए, हमने कितनी खुशी मनाई, सब लोगों को बताया। तो यदि एक सामान्य परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत खुशी की बात है। तो यदि किसी बादशाह के परिवार में यदि कोई पैदा हो रहा है तो वो तो बहुत अधिक खुशी की बात होगी। हम ये भी जानते हैं कि जब एक परिवार में एक बच्चा आने वाला होता है तब परिवार में कितनी तैयारियां की जाती है। माँ अपनी तरफ से तैयारी करती है, बाप अपनी तैयारी करता है, दादा दादी अपनी तैयारी करते हैं, नाना नानी अपनी तैयारी करते हैं, कई बार तो रिश्तेदार भी तैयारी करते हैं। बच्चे के पैदा होने के पहले ही बच्चे के लिए जो आवश्यक सामान है वो नाते रिश्तेदार भी लाकर देते हैं। जब भी इस पृथ्वी पर एक नया जीवन आता है तो मनुष्य के लिए हमेशा बहुत खुशी की बात होती है। और जो परिवार जितना अधिक समृद्ध होता है, जिस परिवार की हैसियत जितनी अधिक होती है, उस हिसाब से उस बच्चे के आगमन की तैयारी उतनी अधिक होती है, उसकी घोषणा उतनी अधिक होती है और उसकी खुशी उतनी अधिक मनाई जाती है। ये हम में से कोई भी व्यक्ति इस बात से अनजान नहीं है कि समाज में यदि किसी जाने माने व्यक्ति के घर में किसी बच्चे का आगमन होने जा रहा है तो अखबार वाले पागल हो जाते हैं, इधर से खबर उधर से खबर और क्या क्या प्रकार की खबरें लाकर देते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि यदि एक सामान्य घर में इतनी खुशी होती है, एक समाज में प्रसिद्ध व्यक्ति के घर में इतनी खुशी होती है और यदि एक शासक के घर में इतनी खुशी होती है तो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जब वो बादशाह इस संसार में पधारा तो उसके लिए कितनी खुशी मनाई गई होगी, कितनी तैयारी की गई होगी। और जब हमारे घर में जब बच्चों के आने की तैयारी होती है तो हम सब लोग जानते हैं उसके लिए अलग से गद्दे बनाए जाते हैं, छोटे से गद्दे बनाए जाते हैं, छोटे से तकिए बनाए जाते हैं, माँ प्लान करती है कि उसको कहाँ लिटाया जाए। तो जब राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु संसार में आया या संसार में पधारे तो उसके लिए कितनी अधिक तैयारी करनी चाहिए, कितने अधिक जगहों पर उस बादशाह के रहने की तैयारी होनी चाहिए। खासकर इसलिए कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु जब संसार में पधारे तो पधारने के पहले कम से कम 1000 न्यूज आइटम उनके बारे में डिक्लेयर किए गए थे। न्यूज आइटम से मेरा क्या तात्पर्य है ये भी बता दूं। मैंने बताया जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के घर में कोई बच्चे की पैदाइश होती है तो अखबार वाले ढूंढ ढूंढ के सूंघ सूंघ के खबर ला ला कर छापते हैं।
दुनिया में राजाओं के राजा, महाराज, बादशाह जब पधारने वाले थे उसके बारे में 1,000 से अधिक खबरें छपी थी या खबरें फैला दी गई थी। इन खबरों को हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल में राजाओं के राजा के बारे में पहली खबर भविष्यवाणी के रूप में आज से 6,000 साल पहले हुई थी, और उसके बाद भविष्यवाणियां होती गई होती गई होती गई। प्रभु ने कहा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी जिसका नाम रखेगी इम्मानुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे संग। ऐसा अनुमान है कि ईस्वी 1 के आसपास लिखित और मौखिक सब मिलाकर 1,000 से अधिक भविष्यवाणियां हुई थी, जिसको आजकल के अखबारों में जो खबर आती है बिल्कुल इसी तरह से खबर एडवांस में दी जा रही है। वे बादशाह, राजाओं के राजा जब इस संसार में पधारे तब क्या हुआ, ये प्रभु के वचन में कई जगह हम देखते हैं, जिसमें से आज मैं कई पोर्शन आपके सामने रखूंगा। इसमें से पहला हिस्सा लूका रचित शुभ संदेश दूसरे अध्याय में हमको मिलता है। लूका के दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, उन दिनों ऑगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। नाम लिखे जाएं, सुनते हैं तो एकदम से समझ में नहीं आता। कहने का मतलब यह है कि जन गणना हो, जिस तरह से आजकल सेंसस या जनगणना होती है, उस तरह से हजारों साल से जनगणना होती आ रही है। बाइबल का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 3,000 साल हो गए जब जनगणना ली जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आजकल जनगणना होती है तो सरकारी कर्मचारी आपके घर पर आकर पूछता है कि इस घर में कौन कौन है। उस जमाने में हर व्यक्ति को अपने अपने गांव जाकर गांव का जो सरपंच है या पटवारी है उसको नाम देना पड़ता था। ऑगस्टस कैसर नाम का शासक जब राज्य कर रहा था तब ये जनगणना हुई, और इस कारण क्या घटना हुई ये हम देखते हैं। तीसरे पद में हम देखते हैं, सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। चौथा पद, यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम गया। यूसुफ के बारे में अपन जानते हैं, यूसुफ मरियम के पति थे और प्रभु यीशु के संसार के हिसाब से प्रभु यीशु के पिता थे। वैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर से पैदा हुए, ठीक है। तो अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी, नाम लिखवाने के लिए अपने पुश्तैनी गांव गए। उनके वहां रहते हुए उनके जन्मने के दिन पूरे हुए। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु के बारे में। प्रभु संसार के सृष्टा हैं, जिन्होंने एक आज्ञा के द्वारा संसार हो, जब आज्ञा दी तब ये सारा संसार, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, ये संसार पैदा हुआ। प्रभु संसार में मनुष्य रूप लेकर पैदा हुए। प्रभु के बारे में प्रभु का वचन ही कहता है कि प्रभु राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। कई राजाओं के ऊपर जो राज्य करता है उसको हम बादशाह कहते हैं। इसलिए मैंने कहा दुनिया का अनोखा बादशाह। कैसा बादशाह? वो प्रभु का, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिन्होंने इस पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, वे संसार में पधारे। पधारने से कम 1,000 भविष्यवाणियां प्रभु के बारे में लिखित और मौखिक रूप से दी गई। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। जब सामान्य एक बच्चा पैदा होता है तब यदि इतना ध्यान दिया जाता है, राज परिवार में जो पैदा होता है जब उसको इतना ध्यान दिया जाता है, तो राजाओं के राजा
जब संसार में पधारे तब कितना अधिक ध्यान, कितना अधिक उस व्यक्ति को सुविधाएं दी गई होंगी, कितनी सुविधा दी गई थी, इसके बारे में सातवें पद में हम देखते हैं। प्रभु की मां के बारे में लिखा है, वह अपना पहलौठा पुत्र जेनी, जब वे लोग जनसंख्या के लिए गए थे तब गांव में मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया, उसे कपड़े में लपेटा। कपड़े में तो बच्चों को लपेटते हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन लपेट कर चरनी में रखा। अपन सभी लोग गांव का जीवन बिता चुके हैं या गांव का जीवन देख चुके हैं। जो लोग आजकल शहर में हैं, वे लोग भी इस बात को जानते हैं कि गांव में या इवन जब अपन दूध लेने के लिए जहां भैंस पालते हैं वहां जाते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि चरनी एक नवजात शिशु को रखने की जगह नहीं है। गीली होती है, घास फूस होता है, गाय या बैल चरनी से खाना खाते हैं, मतलब उनका जो भोजन है वो खाते हैं, थूक घास फूस सब मिलके कितना मैला कुचैला हो जाता है। एक बड़ा आदमी, एक प्रौढ़ व्यक्ति यदि उससे कहे कि थोड़ी देर के लिए चरनी में लेट जाओ, नहीं लेटेगा। जरा क्षण भर के लिए सोच के देख लीजिए, यदि आपसे कहा जाता है भैया जरा 10 मिनट एक चरनी में लेट जाओ, आप नहीं लेटेंगे, वो कोई लेटने की जगह नहीं है। यदि एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए लेटने की जरूरत नहीं है, तो एक नवजात शिशु जिसे कीटाणुओं से, मलिनता से, गंदगी से, घास फूस से, धूल से बचाकर रखना होता है, उस नवजात शिशु को लिटाने की जगह नहीं है चरनी। लेकिन जब राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, वे अनोखे बादशाह जिन्होंने इस सारे ब्रह्मांड की रचना की है, जब वे इस संसार में पधारे तो उनको लपेट कर मां ने एक चरनी में रखा। क्यों रखा? सवाल यह है, क्यों रखा? इसका पहला उत्तर यही प्रभु के वचन में हम देखते हैं, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। जब गांव में गए तो रहने के लिए तो जगह चाहिए, उस समय सराय में रहते थे, सराय में जगह नहीं थी, इसलिए सराय का जो मालिक था उन्होंने इनको जहां जानवर रहते हैं अस्तबल, वहां पे जगह दी। सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। अस्तबल में रहते हुए मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म दिया, और जब अस्तबल में रहते हुए प्रभु यीशु को जन्म दिया तो वहां वहां खटिया, बिस्तरा, तकिया थोड़ी है। अस्तबल में तो जानवर होते हैं, उसके अलावा घास फूस होता है। इस कारण मरियम ने प्रभु को लपेट कर चरनी में रखा। तो दुनिया के अनोखे बादशाह, जो दुनिया के सृजनहार है, जब संसार में पधारे तो लपेट कर उनको रखा गया एक चरनी में। कारण, सराय में जगह नहीं थी। दुनिया के सृजनहार जब इस संसार में आए तो संसार में उनके लिए जगह नहीं थी, ये कारण था कि उनको एक चरनी में रखा गया। इसके अलावा एक कारण और था जो कुछ समय के बाद हम देखेंगे, लेकिन अभी प्रभु के वचन से इतना देखना पर्याप्त है कि जब राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, बादशाहों के बादशाह संसार में आए तो दुनिया में उनके लिए जगह नहीं थी, इसलिए उनको एक चरनी में रखा गया। यहाँ जस्ट एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत सारे मसीही लोग जाने अनजाने ये कहते हैं कि मेरा प्रभु चरनी में पैदा हुआ। प्रभु चरनी में नहीं पैदा हुए, प्रभु अस्तबल में पैदा हुए और प्रभु चरनी में रखे गए। इस तरह की गलत बात खासकर गैर मसीहियों के सामने ना बोलें कि मेरा प्रभु चरनी में पैदा हुआ। उनको लगता है कि शायद चरनी में अपने आप जो है एक बालक पैदा हो गया होगा। ठीक है, तो प्रभु को चरनी में इसलिए रखा राजाओं के राजा को कि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। अब जब
इस तरह से राज परिवार में राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु का जन्म होता है तो सारे अखबार उसका ढिंढोरा पीटते हैं। जब दुनिया के सृष्टिकर्ता संसार में आए तो उसकी खबर किसको दी गई? आठवें पद में देखिए, आठवां पद कहता है उस देश में कितने गडरिए थे, मतलब उस देश में बहुत सारे गडरिए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। गडरिए मैदान में झुंड का पहरा क्यों देते थे? हम इस बात को जानते हैं, खासकर प्रभु यीशु का जो जमाना था आज से 2000 साल पहले, उस समय गडेरिए सबसे अमीर लोग नहीं होते थे। अमीर लोग दो दो तीन तीन पांच पांच दस दस हजार जानवर जरूर रखते थे, लेकिन इन जानवरों को पालने की जिम्मेदारी गडरियों को दी जाती थी और गडरिए सबसे गरीब लोग होते थे। इस कारण उन जानवरों को लेकर रात को मैदान में ही सोते थे। जरा सोच कर देखें कि राजाओं के राजा जब संसार में आए, अस्तबल में पैदा हुए, चरनी में रखे गए और उनके बारे में खबर किसी अखबार में नहीं छपा, सबसे पहली खबर उस समाज के सबसे गरीब लोगों को जो मैदान में सोने के लिए मजबूर थे उनको वो खबर दी गई। खबर भी क्या दी गई? 12वें पद में हम देखते हैं, बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। लेकिन ताज्जुब की बात, उसके पहले स्वर्गदूतों ने जो स्टेटमेंट कहा था 11वें पद में, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। मतलब यहूदियों का उद्धार करता या मसीहा, जिसका इंतजार यहूदी लोग 4000 साल से कर रहे थे, आज जन्मा है। कहां पे? अस्तबल में। कहां पाओगे? चरनी में, कपड़े से लपेटे हुए चरनी में पाओगे। किसी भी बादशाह के लिए इस संसार में या बादशाह की संतान के लिए संसार में आने के लिए ये कोई तरीका नहीं है। फिर क्यों ऐसा हुआ? आगे देखेंगे। 15वें पद में हम देखते हैं, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमको बताया है देखें। तो एक बात स्पष्ट है, एक बादशाह के साथ जो होना चाहिए, राजाओं के राजा के साथ जो होना चाहिए, उसमें एक बात तो यहां हुई। वो कौन सी बात है? इसकी खबर प्रभु ने स्वर्ग से लोगों को दी। तो कुछ बात तो इसमें जो हुई है वो बिल्कुल वैसी है जैसे हम उम्मीद करते हैं, लेकिन बाकी बातें हमारी उम्मीद के विपरीत है। अस्तबल में पैदा हुए, चरनी में रखे गए, पहली खबर चरवाहों को, समाज में सबसे जो गरीब लोग हैं उनको दी गई, ये कैसी बात है? इसीलिए मैंने आज कहा था कि मैं दुनिया के सबसे अनोखे बादशाह के बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया का कोई बादशाह ऐसा नहीं है जिसकी पैदाइश इस तरह से हुई हो। इस पैदाइश के पीछे कारण है जो आगे हम देखेंगे। इस घटना के लगभग 2.5-3 साल बाद एक और घटना हुई जिसको हम मत्ती रचित शुभ संदेश के दूसरे अध्याय में देखते हैं। मत्ती रचित शुभ संदेश के दूसरे अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्ञानी लोग यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हिंदी बाइबल में अनुवाद में ज्योतिषी कहा गया है जो कि गलत है। यूनानी भाषा में जो शब्द जिसका उपयोग हुआ है मैगियाई, वो ज्ञानियों को दिखाता है, समाज के सबसे ज्ञानी लोग थे। ये समाज के सबसे ज्ञानी लोग हर चीज का अध्ययन करते हैं। उन्होंने आसमान में एक नया तारा देखा। ये बात मैं याद दिलाता हूं, इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है,
यहाँ ये नहीं लिखा है कि आसमान में जो तारे हैं उसमें उन्होंने कोई नई चीज देखी, बल्कि यहाँ देखा है कि आसमान में नया तारा देखा है। ठीक है, दूसरे पद में हम देखते हैं यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, किससे पूछा? यहूदियों का उस समय जो बादशाह था, यहूदियों का उस समय का बादशाह का नाम था हेरोद। हेरोद का मतलब सिर्फ इतना है, महाराज। उसको जनरली सभी लोग हेरोद महान बोलते थे। क्यों? प्रभु यीशु के जन्म के समय जो हेरोद जो राज्य करता था वो अपने आप में एक महान व्यक्ति था। उसने दशाब्दियों लगाकर यहूदियों के लिए एक आराधनालय बनवाया था जिसको देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। ज्ञानियों को जब पता चली ये बात, उन्होंने वो तारा देखा तो समझ गए कि बादशाह का जन्म हुआ है। बादशाह का जन्म कहाँ होना चाहिए? बादशाह के घर में। इसलिए वो लोग सीधे 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 दरबार आए और पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, ये नहीं पूछा कि बालक जिसका जन्म हुआ है। तारे को देखा तो वो समझ गए कि जिसका जन्म हुआ है वो तो जन्म से ही बादशाह है, राजा है, राजाधिराज है। इसलिए उन्होंने आके पूछा कि वो राजाधिराज कहाँ है। जब राजाधिराज जन्म लेता है तो सब लोग खुश होते हैं। तीसरे पद में हम देखते हैं यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोद इसलिए घबरा गया कि वो नहीं चाहता था कि उसका राज्य उसके हाथ से छिन जाए, इसलिए वो घबरा गया। और यरूशलेम क्यों घबरा गया? इसलिए कि हेरोद बहुत महान शासक होते हुए भी और हेरोद महान के नाम से जाना जाते हुए भी वो उस हर व्यक्ति की हत्या करवा देता था जो कल को उसका राज्य उसके हाथ से हड़प सकता है। उसने अपने स्वयं के बच्चों की, पुत्रों की हत्या करवा दी थी जिससे वो बड़े होकर राज्य अपने बाप के हाथ से छीन ना ले। तो यरूशलेम के लोग तो घबरा गए कि बाप रे, पता नहीं कितने बच्चों की हत्या होगी। हेरोदेस इसलिए घबरा गया कि उसके परिवार में तो किसी का जन्म नहीं हुआ था, और यदि आसमान में तारा दिखाई दिया है, हेरोद बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, वो समझ गया कि यदि तारा दिखाई दिया है तो इसका मतलब है कि ईश्वरीय संकेत हुआ है कि दुनिया में किसी बादशाह का जन्म हुआ है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु संसार में पधारे तो कुछ बातें तो सही सही हुई। जैसे स्वर्गदूतों ने आकर उसकी घोषणा की, आसमान में एक नया तारा दिखाई दिया, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हुई जो अनहोनी है। पहली बात, अस्तबल में पैदा हुए। दूसरी बात, चरनी में रखे गए। तीसरी बात, पहली खबर गडेरियों को दी गई। चौथी बात, जब विद्वान लोग आए तब ये बात पता चली कि महल में तो किसी का जन्म ही नहीं हुआ है। कुछ बातें जो होनी थी वो हुई, जैसे मैंने कहा, स्वर्गदूतों ने घोषणा की, नया तारा निकला। फिर क्या हुआ आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हेरोद ने अपने दरबार में जो शास्त्री और फरीसी जो प्रभु के वचन के एक्सपर्ट्स है उन लोगों को बुलाया, उनसे पूछा कि भाई ये क्या बात है, यदि तारा निकला है और यदि विद्वान लोगों ने तारा देखा है तो इसका मतलब है कि जरूर यहूदियों के किसी परिवार में बादशाह का जन्म हुआ होगा, वो बादशाह कहाँ है। छठे पद में हम देखते हैं मत्ती दूसरे अध्याय के छठे पद में, हे बेतलेहेम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। तो इस बादशाह के बारे में दो बातें हम समानांतर देखते हैं, कुछ बातें जो एक बादशाह के बारे में होनी चाहिए, जिसमें से एक भविष्यवाणी अभी
प्रभु के वचन से मैंने आपको पढ़कर सुनाया, उन लोगों ने पुराने नियम से यह भविष्यवाणी सुने कि हे बेतलेहेम जो यहूदा के देश में है, तू तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो इसराइल की रखवाली करेगा। कोई भी यहूदी जब इस संदेश को सुनता है या सुनता था तो वो एकदम से इस बात को समझ जाता था कि ये कथन, ये स्टेटमेंट मसीहा के बारे में है, आने वाला मसीहा जो कि राजाओं का राजा है। इसके बाद की घटनाएं हम जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हुआ, किस तरह से हेरोद ने उस समय जो बच्चे पैदा हुए थे सबको मरवा डाला, ये सारी घटना अपन सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, लेकिन उसके पहले की एक बात और मैं याद दिला दूं, वो हम पढ़ते हैं 11वें पद में। हम ये जो मत्ती दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं उसके 11वें पद में देखते हैं, वो भी देखना जरूरी है। 11वें पद में हम देखते हैं कि उन विद्वानों ने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किए। एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, कई लोगों को ये गलतफहमी है कि गडरिये लोग और विद्वान लोग एक ही दिन गौशाले में पहुंचे थे, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन साफ साफ बताता है, प्रभु जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन गडरिये लोग पहुंचे थे और उसके लगभग 2.5 साल के बाद विद्वान लोग आए थे, और विद्वान लोग गौशाले में नहीं बल्कि घर में पहुंचे थे और एक शिशु को नहीं, एक बालक को देखकर बालक को प्रणाम किया। बालक को प्रणाम करते समय एक और बात हम देखते हैं, अपना अपना थैला खोलकर उस बालक को सोना, लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। इसमें भी एक विशेष बात है, प्रभु जब संसार में आए थे इसी एक के आसपास, उस समय सिर्फ राज्य महाराजाओं को इस तरह की भेंट दी जाती थी, सोना, लोहबान और गंधरस। तो फिर से ये विद्वान लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते थे या पहचान गए कि ये जो बालक है ये एक आम बालक नहीं है, ये राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और इसलिए उसको सामान्य बालकों को जो भेंट चढ़ानी है वे भेंट नहीं, बल्कि बादशाह को, राजाओं को जो भेंट चढ़ानी है वो भेंट है। और इस कारण उन्होंने इस बालक को सोना, लोबन और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ठीक है, अब हमने प्रभु के वचन से आज प्रभु जो संदेश देना चाहते हैं उसकी पृष्ठभूमि देख ली। आज से 2000 साल पहले राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु संसार पधारे। जब वे पधारे तो एक बादशाह के घर में जो पैदाइश होती है उससे संबंधित कुछ बातें घटी, जैसे चूंकि वो दुनिया के सृजनहार थे इसलिए उसकी घोषणा की स्वर्गदूतों ने, चूंकि दुनिया के सृजनहार थे इसलिए उनकी पैदाइश के समय आसमान में एकदम से नया तारा दिखाई दिया। वो एक विशेष तारा था, ये मैं बताना चाहता हूं, आसमान में जो तारे हैं इनसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो एक लेवल पर आके, एक समय आके वो इतना नीचा हो गया था कि वो उन लोगों को आगे आगे गाइड करके ले गया था। ये भी संसार के सृष्टिकर्ता के बारे में इशारा करता है। तीसरी बात, विद्वानों ने आकर उस बालक को पहचाना कि ये कौन है और उनको सोना और लोबान और गंधरस चढ़ाया। ये अपने आप में एक राजाओं के राजा के जीवन में घटना चाहिए, ऐसी बातें हैं। लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो एक बादशाह के जीवन में नहीं होनी चाहिए, ताज्जुब होता है। गौशाला में पैदा हुए, चरनी में रखे गए, खबर मिली गडरियों को जो समाज में, उस समाज में सबसे गरीब लोग थे। क्यों? और जब वो खबर जनता को मिली तो सब लोग घबरा गए। बादशाह के बारे में जब सुनते हैं तो लोगों को खुश होना चाहिए। यह सब क्यों हुआ?
इसका उत्तर प्रभु का वचन एक से अधिक भागों में स्पष्टतया हमको बताता है। दूसरा कुरिन्थियों 8वें अध्याय के 9वें पद में हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 8:9, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में हम पढ़ते हैं, तुम हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। ये है प्रश्न का जवाब, प्रभु ने एक गौशाले में क्यों जन्म लिया, एक अस्तबल में क्यों जन्म लिया, लपेट कर एक चरनी में क्यों रखे गए, एक अच्छी सी खटिया क्यों नहीं थी, एक अच्छा सा तकिया क्यों नहीं था। उसका उत्तर दूसरा कुरिन्थियों 8:9 पद में है, प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर जिसने इस विश्व की रचना की है, सब कुछ उसका है, धनी होकर भी कंगाल बन गया। ये है उत्तर, प्रभु जानबूझकर कंगाल बन गए, प्रभु ने जानबूझकर अस्तबल में जन्म लिया, क्यों? उसका उत्तर है तुम्हारे लिए। ये तुम कौन है? मैं, आप, जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मेरे और आपके लिए प्रभु कंगाल बन गए। क्यों कंगाल बन गए? क्या मिला प्रभु को उससे? आगे प्रभु का वचन कहता है, ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। आप कहेंगे कि ब्रदर कैसी बात करते हैं, मैं तो कभी धनी नहीं हुआ। जरा एक बात बताइए, यदि आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है तो आपको कौन सा जीवन मिला है? शाश्वत जीवन मिला है। उस शाश्वत जीवन को पाने के लिए लोग कितनी तकलीफ सहते हैं, कितना त्याग करते हैं। शाश्वत जीवन अमूल्य है। इस कारण आज जो भाई या बहन प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उनमें से जिन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा शाश्वत जीवन पाया है, वे लोग क्षण भर के लिए भी ये ना सोचें कि ब्रदर मेरे पास तो कोई धन धान्य नहीं है, भैया तुमको इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान चीज दे दी गई है, शाश्वत जीवन, और क्या चाहिए, इससे ज्यादा धनी कैसे हो गए। यह है कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यह है उस अनोखे बादशाह का चरित्र, कि वो अनोखा बादशाह मनुष्य रूप धारण करके एक अस्तबल में पधारे, जिससे कि उसके बाद की 3.5 साल की घटनाओं के द्वारा मैं और आप दुनिया में सबसे बड़ा धन पा सके। और सबसे बड़ा धन है शाश्वत जीवन। शाश्वत का मतलब है जो अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। उस शाश्वत जीवन को पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश के, खासकर उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक स्थान है, जो तीर्थ स्थान है, वहां यदि जाने का मौका यदि आपको मिले तो आप देखेंगे लोग कांच के टुकड़ों पर पड़े हुए हैं, जिसके द्वारा पाप का पश्चाताप कर सके, कांटों के बिस्तर पर लेटे हुए हैं जिससे कि पश्चाताप कर सके। मैंने अपने जीवन में इस तरह के 2-4 केस देखे हैं। मैं ग्वालियर का हूँ, मध्य प्रदेश, भाई रणजीत के शहर का। मैं स्कूल जाता था, वहां एक बाबा जी थे, उन्होंने जीभ बाहर टांग रखी थी, सोते भी थे तो जीभ यूं पकड़ के सोते थे जिससे जीभ अंदर ना चली जाए, सॉलिड खाना नहीं खा सकते थे, जीभ यूं पकड़ के सिर्फ लिक्विड पीते थे। काहे के लिए?
शाश्वत जीवन पाने के लिए। मैं जिस घर में रहता था उसके सामने एक मैदान था, वहां एक बाबा जी थे, एक टांग पे ही खड़े रहते थे, सोते भी उसी तरह से थे। काहे के लिए? शाश्वत जीवन पाने के लिए। मैं जिस कॉलेज में जाता था उसके सामने एक बाबा जी बैठते थे, उन्होंने अपने एक हाथ को यूं उठा रखा था लगभग 20-25 साल से, और हाथ सूख गया था, उस हाथ को हिला नहीं सकते थे। काहे के लिए? शाश्वत जीवन पाने के लिए। हम इस बात को जानते हैं कि लोग कई बार सैकड़ों किलोमीटर सड़क पर लुढ़क 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 कर तीर्थ स्थानों में जाते हैं। काहे के लिए? शाश्वत जीवन पाने के लिए। शाश्वत जीवन एक ऐसी बात है जिसके लिए मनुष्य कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन राजाओं के राजा आज से 2000 साल पहले एक कंगाल व्यक्ति के रूप में पैदा हुए, धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, जिससे कि उसके कंगाल बन जाने से तुम धनी हो जाओ। तो वो एक अद्वितीय बादशाह है, जो मैंने कहा उसमें कोई शक नहीं है, मुझे और आपको शाश्वत जीवन देने के लिए वे आए। इस कारण आज जो लोग प्रभु का संदेश सुन रहे हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस शाश्वत जीवन को पाया है, लेकिन शायद इस तरह के कई भाई या बहन हैं जिन्होंने अभी तक ये शाश्वत जीवन या ये नया जीवन या ये उद्धार नहीं पाया है। देखिए, शाश्वत जीवन, अनंत जीवन, नया जीवन, नया जन्म, उद्धार, इन सब का मतलब एक ही है। ये देने के लिए प्रभु एक कंगाल के रूप में, मुझे और आपको गिफ्ट के रूप में देने के लिए प्रभु इस संसार में एक कंगाल के रूप में पधारे थे। कैसे मिलता है? प्रेरितों के काम 16:31 इस बात को स्पष्टतया बताता है कि ये शाश्वत जीवन हमको किस तरह से मिलता है। प्रेरितों के काम 16:31 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप कहेंगे कि ब्रदर ये तो हम जानते हैं। हो सकता है कि आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं इनमें से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हों, लेकिन ऐसा इस बात की संभावना है कि ऐसे भी कई लोग आज ये संदेश सुन रहे हैं जिन्होंने इस बात को नहीं जाना है, नहीं पहचाना है। उन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु ने सब कुछ त्याग कर इस संसार में जो जन्म लिया वो मुझे और आपको ये शाश्वत जीवन देने के लिए है। यदि आपने नहीं पाया है तो आपके लिए जरूरी है कि आप उस शाश्वत जीवन को पा लें। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं। मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था। मेरे फादर प्रभु के दास थे, प्रभु की सेवा करते थे। बचपन से प्रभु का वचन मुझे सिखाया जाता था। जब मैं लगभग 5.5 साल का था, मैंने अपने फादर से पूछा, पापा स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? 5.5 साल की उम्र में मैं काफी ज्यादा समझदार हो गया था। पापा ने यूहन्ना 3:16 खोलकर बताया कि बेटा, प्रभु इस संसार में इसलिए आए कि तुम्हारे लिए अपना जीवन प्रदान करें, और यदि तुम इस बात को मान लो कि तुम पापी हो और प्रभु से तुमको शाश्वत जीवन की जरूरत है तो तुमको वो शाश्वत जीवन मिल जाएगा। मैंने वहीं उसी समय घुटने टेक कर प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। उस समय मुझे प्रभु ने वो नया जीवन दिया, वो शाश्वत जीवन दिया जो सदा सर्वदा मेरे साथ रहेगा, जो मुझसे कोई छीन ना सकेगा। प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे पास आएगा उसको मेरे हाथ से कोई छीन ना सकेगा। आप में से कई लोग ये पूछेंगे कि जॉनसन ब्रदर, ये संदेश जो लोग सुन रहे हैं ये तो सभी विश्वासी हैं, आप आज क्यों इस तरह का संदेश सुना रहे हैं? देखिए, सभी विश्वासी हैं या नहीं ये सुनने वाले हर व्यक्ति को जांच कर देखना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मसीही परिवार में जन्म लिया है,
बड़े होने पर बपतिस्मा लिया है लेकिन इस संदेश को नहीं जानते हैं, जिन्होंने कभी भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है। आप कहेंगे कैसी बात करते हैं ब्रदर, मैं तो प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं। मैं उस विश्वास की बात नहीं कर रहा। याकूब की पत्री दूसरे अध्याय के 19वें पद में हम पढ़ते हैं, याकूब 2:19, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं और थर थराते हैं। दुष्टात्माओं ने शाश्वत जीवन पाया है क्या? हम जानते हैं कि दुष्टात्माओं को कोई शाश्वत जीवन नहीं मिलेगा, वे सदा सर्वदा के लिए नरक भेज दिए जाएंगे। लेकिन दुष्टात्माओं के बारे में लिखा है कि वो भी तो विश्वास करते हैं। इसका क्या मतलब है? क्यों ये पद मैंने आपके सामने रखा? इसलिए कि हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि बचपन से हम जो सुनते हैं उन बातों को, हाँ हाँ मैं मानता हूं प्रभु मुक्तिदाता है, प्रभु संसार में आए और प्रभु ने मनुष्यों के लिए जीवन दिया, इस तरह के विश्वास से किसी व्यक्ति को कोई उद्धार नहीं मिलेगा। इसको हम कह सकते हैं सामान्य विश्वास। सामान्य विश्वास एक सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है। हम यदि अपने बच्चों से पूछें कि भैया हिंदुस्तान में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो बच्चा तुरंत बोलेगा कुतुब मीनार है। दुनिया के 7 महान आश्चर्यों में से भारत में कौन सा है, बच्चा तुरंत बोलेगा कि ताजमहल है। हिंदुस्तान में कौन सा स्टेट है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, बच्चा तुरंत जवाब देगा कि उत्तर प्रदेश है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुतुब मीनार देख लिया है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसने ताजमहल देख लिया है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश जा चुका है। ये जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान। जिस तरह से जनरल नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आपने उसका अनुभव किया है, उसी तरह से अपने सर में ये जान ले कि हाँ प्रभु आए थे, 2000 साल पहले आए थे, मुक्तिदाता के रूप में आए थे, इससे किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। ये जानने से कोई आपको उद्धार नहीं मिलेगा कि प्रभु जगत की ज्योति है। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की कोई भी पुस्तक ले लीजिए, उसमें अक्सर ये प्रश्न आता है कि जगत की ज्योति किसको कहा जाता है। उत्तर है, जगत की ज्योति ईसा को कहा जाता है या ईसा मसीह को कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है क्या कि जिसने उस जनरल नॉलेज किताब की रचना की थी उसने प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाया? जी नहीं, जनरल नॉलेज है। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि दुष्टात्माओं के अंदर भी जनरल नॉलेज है लेकिन वे उद्धार नहीं पाते। उद्धार कब पाएंगे? जब मेरे आपके जीवन में वो अनुभव आएगा, जब एक दिन हम प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रभु से मानेंगे, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे पाप से छुटकारा दिलाने के लिए सूली पर आपने मेरे पापों की सजा भुगत ली, आज मैं ग्रहण करता हूं, मान लेता हूं प्रभु कि आपने सूली पर मेरे लिए अपना जीवन दिया और इस कारण मुझे मेरे पापों से क्षमा कीजिए और मुझे वो शाश्वत जीवन प्रदान कीजिए। मैं जिस विश्वास की बात कर रहा हूं ये जनरल नॉलेज नहीं है, ये इस तरह के एक अनुभव की बात है। प्रभु जो धनी थे वे मेरे और आपके लिए इसलिए गरीब हुए जिससे कि मैं और आप प्रभु के बलिदान के द्वारा इस नए जीवन को पा सके। आज मैंने ये विषय आपके सामने इसलिए पेश किया है कि कई बार जब पूछा जाता है कि आपका नया जन्म हुआ है क्या, आपको शाश्वत जीवन मिला है क्या, तो अच्छे भले मसीही लोग जवाब देते हैं, हाँ मेरे जीवन में मैं बहुत बीमार पड़ गया था, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे चंगाई दी, तब से मैं पूर्ण समर्पण के साथ जीवन बिताता हूं। हो सकता है आप पूर्ण समर्पण के साथ जीवन बिताते हो लेकिन ये नया जन्म नहीं है। मैं अक्सर भाइयों से बहनों से पूछा करता हूं, भैया तुम्हारा नया जन्म हुआ है क्या?
एक ने मुझे जवाब दिया कि ब्रदर, मेरी बच्ची बहुत बीमार हो गई थी। मैंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप उसको चंगाई दे दीजिए, मैं बहुत समर्पण के साथ जीवन बिताऊंगी। प्रभु ने उसको चंगाई दी, तब से मैं बहुत समर्पण के साथ जीवन बिताती हूँ, समर्पण के साथ जीवन बिताती होंगी, लेकिन ये नया जन्म या शाश्वत जीवन नहीं है। एक और से पूछा तो बोला, मेरे दफ्तर में बहुत भयानक एक दुर्घटना हुई, मैं बहुत डर गया। मैंने कहा प्रभु मुझे इस दुर्घटना में मर जाने से बचा लीजिए। प्रभु ने मर जाने से बचा लिया, प्रभु ने मर जाने से बचा लिया है, सच है, ये नया जीवन नहीं है। और लोगों से पूछा जाता है, भैया तुम्हारा नया जन्म हुआ है क्या, शाश्वत जीवन? हाँ हाँ, शाश्वत जीवन मिला है। हमारे घर, हमारे चर्च में एक प्रचारक आए, उन्होंने कहा कि जो भी बपतिस्मे के लिए तैयार है सब खड़े हो जाए। मैंने हाथ उठाया, मैं खड़ा हो गया, मुझे बपतिस्मा दिया गया, मुझे नया जन्म मिल गया। जी नहीं, बपतिस्मा नया जन्म नहीं है, बपतिस्मा शाश्वत जीवन नहीं है, बपतिस्मा आपको शाश्वत जीवन नहीं देता है। बपतिस्मा उन लोगों को लेना चाहिए जिन्हें इस बात का यकीन है कि उनको शाश्वत जीवन मिल चुका है। आज जो लोग प्रभु का वचन सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, इनमें से मेरे प्रिय भाई हैं, जिनसे आज से 2 साल पहले मैंने पूछा कि भैया तुमने नया जन्म पाया है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे गांव में काफी सारे पादरी लोग आए, मुझे पानी में उतार के 4-5 लोगों ने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे बपतिस्मा दिया। मैंने पूछा कि मैं बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा, पाप क्षमा, प्रभु को मुक्ति दाता, बहुत ही मैच्योर और समझदार भाई हैं, प्रभु के वचन को सुनने के बाद, उस मैंने कहा कि आज जरा सुन लेना कि ये उद्धार क्या है। उस दिन मेरा संदेश उद्धार के बारे में था। उसके बाद मैंने उन भाई से पूछा कि ये जो संदेश तुमने प्रभु के वचन से सुना है, इसके आधार पर ये बताओ कि तुमको नए जन्म का अनुभव है क्या? उन भाई ने कहा नहीं, प्रभु के वचन के आधार पर आपने जो बताया उसको सुनने से ये स्पष्ट हो गया है कि मुझे शाश्वत जीवन नहीं मिला है। उन 4-5 लोगों ने सर पे हाथ रखा, बपतिस्मा दिया, लेकिन वो नया जन्म नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप नया जन्म पाना चाहते हैं क्या? उन्होंने कहा जी हाँ, मैं पाना चाहता हूँ। और उस दिन उसी क्षण उन्होंने वहीं घुटने टेक कर प्रभु यीशु से पाप क्षमा के लिए प्रार्थना की और प्रभु से नए जन्म के लिए याचना की और प्रभु को बताया कि प्रभु आज मैं आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ। तब से उनके जीवन में जो खुशी है, जो शांति है, वो मैं पिछले 2 साल से देखता आ रहा हूँ। इस घटना के कुछ समय के बाद मैंने उनको बपतिस्मा दिया। वे मेरे सबसे प्रिय भाइयों में से एक हैं। उस भाई को यह गलत शिक्षा दी गई थी कि जब 4 लोगों ने या 5 लोगों ने आपके सर पे हाथ रखकर प्रार्थना करके बपतिस्मा दिया तो आपका नया जन्म हुआ। प्रार्थना करने से, चंगाई मिलने से, मुसीबत से बच जाने से, सर पे 5 नहीं 500 पादरी हाथ रखें, इससे किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति मिलती है जब हम प्रभु को मुक्तिदाता मानते हैं, जनरल नॉलेज के द्वारा नहीं, एक विशेष अनुभव के द्वारा। इस मुक्ति की क्या जरूरत है, यह मैं तुरंत फुर्ती से आपको याद दिला दूं। रोमियो की पत्री 3:23 याद दिलाता है, सब ने पाप किया है, इस दुनिया में जितने लोगों ने जन्म लिया है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। रोमियो 6:23 हमको याद दिलाता है, पाप की मजदूरी है मृत्यु। इस कारण आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें से जो भाई या जो बहन इस गलत फहमी में है कि मैंने बपतिस्मा लिया इसलिए शाश्वत जीवन मिल गया है, मुझे चंगाई मिली इसलिए शाश्वत जीवन मिला है, मैंने मुसीबत से छुटकारे के लिए प्रार्थना की छुटकारा मिला इसलिए शाश्वत जीवन मिला है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये सब आपके गलत फहमी है। शाश्वत जीवन या अनंत जीवन तब मिलता है जब हम इस बात को पहचान लेते हैं कि संसार के सृष्टा ने मेरे और आपके पापों की सजा सूली पर भुगतने के लिए एक मनुष्य के रूप में
एक गरीब परिवार में जन्म लेकर, एक गौशाले में जन्म लेकर, एक दास के समान जीवन बिताने के बाद सूली पर मेरे और आपके लिए अपना जीवन दिया। आज यदि मैं आपसे पूछूं, आपने उद्धार पाया है क्या? आपका क्या जवाब होगा? यदि जवाब यह है मैंने बपतिस्मा लिया है, जी नहीं, मैं बपतिस्मे के बारे में नहीं पूछ रहा। मुझे चंगाई मिली है, जी नहीं, मैं चंगाई के बारे में नहीं पूछ रहा। मेरे सर पे 10 लोगों ने हाथ रख के प्रार्थना की, जी नहीं, मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा। मेरा प्रश्न यह है कि आपने जीवन में उद्धार पाया है क्या? आप कहेंगे मैं प्रभु यीशु को मुक्तिदाता मानता हूं, जी नहीं, जनरल नॉलेज की बात नहीं कर रहा। मेरा प्रश्न यह है, आपके जीवन में ऐसा एक क्षण आया है क्या जब आपने प्रभु से कहा, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों के लिए आपने सूली पर अपना जीवन दिया, मैं उसको ग्रहण करता हूं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे शाश्वत जीवन प्रदान कीजिए। यदि ये अनुभव इसके पहले आपके जीवन में नहीं हुआ है, तो आज शाम को मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस जगह आप बैठे हैं वहीं बैठकर, जिस समय भाई रंजीत इस मीटिंग को क्लोज कर रहे हैं और जिस समय जो भी भाई प्रार्थना करके इस मीटिंग को क्लोज करेगा, जब वो भाई प्रार्थना कर रहे हैं, तब मन ही मन प्रभु से ये याचना कीजिए कि प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु ने सूली पर मेरे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, मैं उसे मान लेता हूं, मुझे मेरे पापों से क्षमा प्रदान कीजिए, मैं प्रभु को मुक्तिदाता मानता हूं, मुझे शाश्वत जीवन प्रदान कीजिए। इस तरह से प्रार्थना कीजिए जिससे कि आपको शाश्वत जीवन मिल सके। यदि आपको लगता है कि इस विषय पर और प्रकाश चाहिए, तो जो भी व्यक्ति, जो प्रचारक आपके चर्च में है उनसे, या भाई रणजीत जो इन मीटिंग्स की अगुवाई करते हैं उनसे बात कीजिए, वे आपको पूर्ण रूप से आपका मार्गदर्शन करेंगे जिससे कि आप शाश्वत जीवन पा सके। फिर से मैं क्लोजिंग में याद दिलाना चाहता हूं, इस गलत फहमी में ना रहें कि मैंने मसीही परिवार में जन्म लिया है, अच्छे कर्म करता हूं, वो ये इसलिए मैं प्रभु के साथ हूं, जी नहीं, इस दुनिया का सृजनहार धनी होते हुए भी मेरे आपके लिए गरीब हो गया, जिससे कि हम एक अनुभव के द्वारा शाश्वत जीवन पा सके। कौन सा अनुभव? पाप क्षमा के लिए याचना करने और प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के। क्लोजिंग में मैं फिर से वो प्रश्न या फिर से पूछना चाहता हूं, प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, आपको इस बात का यकीन है क्या कि आपका उद्धार हुआ है? इस बात का यकीन है क्या कि आपको शाश्वत जीवन मिल चुका है? नहीं तो एक ही प्रश्न है, क्यों नहीं है आपके जीवन में यकीन? जो धनी था वो इस संसार में आपको ये शाश्वत जीवन देने के लिए गरीब बन गया, फिर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ना ग्रहण करने के पीछे आप क्या कारण दे सकते हैं? प्रभु आपकी मदद करे कि इन संदेशों के द्वारा आप सबको प्रोत्साहन मिले, और यदि इस ऑडियंस में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आज तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो बच्चे बड़े जो भी हों वे इस मुक्ति को या इस उद्धार को पा सके। प्रभु के नाम की स्तुति हो।